अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।